व्यवस्था में ही सुख है और अव्यवस्था में ही दुख है। अगर मोदी जी और किसान एक साथ बैठें, बीच का रास्ता निकालें, तो ये बिल अच्छा भी हो सकता है। आप अगर प्रधानमंत्री हैं, आप लाल किले को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, आपने इतनी शपथ जो ली थी प्रधानमंत्री बनने की, आप लाल किला नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप देश को क्या संभालेंगे। मैरीकॉम की जब स्टार्टिंग थी तब सरकार प्रोवाइड नहीं करती है कि अभी आप 1 करोड़ रुपये लीजिए, अभी आप 2 करोड़ लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी और आज हमारे साथ जुड़ेंगी संदीपिया। संदीपिया वो बच्ची है जो 10 साल की है और 5th क्लास में है, बनना उनको पीएम है। आइए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने शुरुआत की, जब 10 साल की उम्र में बच्चे बनना चाहते हैं पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, तो आप पीएम क्यों बनना चाहती हैं? मैं पीएम इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि देश में कुछ अच्छे चेंजेस आएँ, और बहुत ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो अच्छे पॉलिटिकल नेता देश मांगता है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि हमारे देश अच्छे ऊपर आ सके, अच्छा बन सके। और मेरा एक सपना भी है कि मैं देश को अच्छा बना सकूँ और देश की हालत अच्छी कर सकूँ। देश की हालत अभी कहाँ ख़राब लगती है आपको? जो हमारे देश के मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं? हम बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं। जो बांग्लादेश हमारे से इंदिरा गांधी जी ने एक देश बनाया था, हमारे ही एक स्टेट था वो भी, अब उससे भी हम नीचे जा चुके हैं, तो और क्या बुरी हालत होगी हमारी। जो हमारे से टुकड़ा गया हो बाहर, वो ही हमसे ऊपर उठ गया हो, तो ये मेरे को ख़राब लगता है कि इतना बड़ा ये हो। असर इंडेक्स में भी हम पाकिस्तान से नीचे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत नीचे हमारा देश हो चुका है, उसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ। जब से जो भी बिका हुआ है अभी तक तो आप देख सकते हैं, लाल किला भी डालमिया पे गिरवी है, मोदी जी ने डालमिया पे गिरवी कर रखा है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो व्यवस्था है उसमें ही सुख है और अव्यवस्था में ही दुख है। आप कैसे व्यवस्था को में सुधार लाएंगे? आप कह रही हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आपने कुछ सोचा है कि ऐसे मैं पीएम बन जाऊंगी तो ये सुधार मैं लेकर आऊँ? मैं पहले तो हिंदू मुसलमान को देखूंगी। बहुत लोग करते हैं कि ये हिंदू है, अभी स्कूलों में भी देखा जाए तो बच्चे करते हैं ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, मुसलमानों का अलग ग्रुप बन गया है, हिंदुओं का अलग ग्रुप बन गया है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हम सब हिंदू मुसलमान को ना देखेंगे। उस टाइम मैं जब प्रधानमंत्री की पोस्ट पर होंगी तब मैं ये देखूँगी कि ये सब इंडियंस हैं, ये सब मेरे नागरिक हैं और ये सब मुझे ही सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से मुझे ये चेयर मिली है, कुर्सी मिली है, तो मैं इन सबको सपोर्ट करूँगी। और जो भी लोगों को परेशानी होगी, जो भी मेरी जनता को परेशानी होगी, उस सब में मैं फोकस करूँगी कि अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले रही हैं, आपके इंटरव्यू सुने मैंने, किसान आंदोलन को किस तरह से देखती हैं? किसान आंदोलन को मैं यही देखूँगी, जो जैसे हमारे मोदी जी ने किया है, उन्होंने बोला था हम नागरिकों को सुविधा देंगे, है ना, और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान को अन्नदाता ही बोलेंगे, वो रो रहे हैं, तो कैसी सुविधा हमारे को मिली है? अगर वो रो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कलंक है हमारे देश पे कि जो हमारे को रोटी दे रहा है, जो हमारे को इतनी सारी सुविधा दे रहा है, वो ही रो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे। हाँ जी, आपको किसान आंदोलन में कैसे दिलचस्पी आई? आप क्योंकि आप दिल्ली से हैं, आप कभी मुझे आप कभी खेतों में गई? जी बिल्कुल, मैं खेतों में गई हूँ। तो किस तरीके, आपने 3 farm laws पढ़े? जी बिल्कुल। क्या कमी लगती है आपको उन लॉ? देखिए, सबसे पहला मुझे जो लगता है, एक तो मैं अपनी नज़र से बताऊँ तो अंबानी या अडानी को जितना बेचा गया है, अभी तो आप देख सकते हैं एयर इंडिया भी टाटा को बेच दिया गया है ना, और बहुत सारी चीज़ें अभी तो बेचा नहीं, खरीद लिया है टाटा ने। दिया तो मोदी सरकार ने ही है ना। आपको कैसे पता मोदी सरकार ने दिया? एयर इंडिया देश के राजा कौन है? मोदी जी। सब कुछ किसके अंडर आते हैं? हम भी इधर ही अंडर उनके ही आते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उनके अंडर आते हैं, तो मोदी जी ही बेचेंगे ऑब्वियसली। ये आप जैसे अंबानी अडानी की बात कर रहे हो, ये सब आपको किसी ने बता दिया है या फिर आपने एक्चुअली इसके बारे में पढ़ा है कि अंबानी अडानी को बेचा जा रहा है हमारा देश? आप अभी भी अगर देखें ये बताया गया है तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतना सब कुछ बिक गया है, जैसे लाल किला जो हमारे देश की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिका नहीं है, इस पर मोदी गवर्नमेंट का कहना ये है कि बेचा नहीं है, हम नहीं ख्याल रख पा रहे इसलिए हमने दे दिया है किसी को कि इसका ख्याल रखें। उनके पास इस चीज़ का एक काउंटर जवाब भी है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अभी आप 10 ईयर्स के हो, आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट अगर ये कर रही है तो क्यों कर रही है? देखिए, मेरे को, मैं अपने बात बताऊँ तो मैं दोनों तरफ से भी देखती हूँ, पर
जो लाल किला है उतने तक को नहीं, आप अगर प्रधानमंत्री हैं आप लाल किले को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, आपने इतने शपथ जो ली थी प्रधानमंत्री बनने की, आप लाल किला नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप देश को क्या संभालेंगे? लाल किला तो देश की प्रॉपर्टी है ना, जो शाहजहाँ ने बनाया आपने वो डालमिया को किराए पे दे दिया कि आप संभालिए, और जहाँ पे आपने ही झंडा फहराया था आपने ही वहाँ पे आप ही करते हैं वहाँ सब, तो डालमिया को दे दिया, वो बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। अच्छा, ऐसे लोगों से भी मैं मिली जो बोल रहे हैं कि नहीं मोदी जी और योगी जी मिलकर बहुत सारे काम करेगा, सेंटर पे बात करें, उन्होंने इंटरनेशनली हमारा नाम ऊंचा किया है, 370 हटा दी उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। जितना अभी देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनवाई हो, आप बताइए मुझे, यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है लेकिन उसमें एजुकेशन का काम, जो एजुकेशन लेवल जो मोदी जी ने बढ़ाया है, बढ़ाया तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बढ़ाया है, और घटा और दिया है, बांग्लादेश से भी नीचे हम आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ और कि और अगला प्रधानमंत्री भी आए, सबको चांस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। किसको देखते हो आप अगला प्रधानमंत्री? अरविंद किसको कौन आना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी को मैं अगला प्रधानमंत्री के तौर पर चुनूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, फिर से मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट पर आ जाती हूँ, 3 बिलों में आपको क्या गलत लगता है? देखिए, जैसे उन्होंने मंडी के बारे में हुए है ना, मंडी में आप जहाँ जा सके वहाँ लगाइए, आपको कहीं और अच्छे दुगने दाम मिलेंगे, पर जितना वो लेके जाएंगे इधर ट्रैक्टर से, मतलब लाना ले जाना वापस, डीजल के पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप, उसमें तो ज़्यादा लॉस ही हो जाएगा ना उन्हें। सही बोल रहे हो कि मंडी की जो हालत है वो ख़राब है, लेकिन इन 3 बिलों में को वापस अगर कर दे, लेकिन मंडी अगर मजबूत करने पे काम करे सरकार, तो ये बिल अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर कब करेगी सरकार? बात करने को कह रही है, संशोधन पर हम बात करने को रेडी हैं, हम 3 कानून वापस मत कराओ, आप हमसे संशोधन पर बात कर लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यवस्था में ही सुख है और अव्यवस्था में ही दुख है, अगर मोदी जी और किसान एक साथ बैठें, बीच का रास्ता निकालें, तो ये बिल अच्छा भी हो सकता है। पर मोदी जी को बिल लाने से, ये मोदी जी की मेरे को गलती बहुत बड़ी लगती है कि मैं अपने नज़र से बताऊं कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो एक भी बिल मैं लाऊंगी तो मैं सबसे पहले जनता से पूछूंगी, उसके बाद जो भी मेरी सरकार के नेता हैं या विपक्षी दल में भी जाऊँगे उनसे भी मैं पूछूंगी कि आपको ये अच्छा लगता है बिल, और अगर जनता ने यहाँ बोला और विपक्षी दल ने ना बोला तो विपक्षी दल तो ना ही बोलेगा, और फिर से बड़ी बात है, और सब जनता को अच्छा लगा तो मैं वो बिल लाऊंगी, मैं लाने से पहले सबसे पूछूंगी, मैं उनको डेमो दूंगी। और मोदी जी की ये बुरी बात लगी कि किसानों से नहीं पूछा उन्होंने, किसानों पे ही बिल था, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। जी, और क्या आप अपनी ज़्यादातर स्टडीज़ इंटरनेट पर करते हो स्कूल, क्योंकि कहा जाता है कि स्कूल की स्टडी काफ़ी नहीं होती है बच्चे के लिए, तो आपको क्या लगता है स्कूल की स्टडी काफ़ी है? पहले आप उस पर जवाब दीजिए, फिर इंटरनेट पर आएंगे। स्कूल की स्टडी मेरे ख्याल से काफ़ी है, पर कुछ चीज़ें जो इंटरनेट अभी बहुत आ गया है इससे ही, हाँ जी, जिससे इससे ही पढ़ाई हो रही है, तो वो भी ज़रूरी है, इंटरनेट भी ज़रूरी है, और जितना स्कूल की पढ़ाई से देखा जा रहा है, स्कूल की पढ़ाई से भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन देखा जा रहा है कि इंटरनेट एक अच्छा यूज़ भी बन सकता है लोगों के लिए, एक बुरा इस्तेमाल भी बन सकता है, कुछ बच्चे इस पर सिर्फ गेम्स खेलते हैं, कुछ बच्चे से पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि इंटरनेट ने ज़िंदगी बदल भी दी है। इस पूरे इंटरनेट को आप कैसे देखते हो उस पर बताइए, आप 10 साल के हो, आप कितना इंटरनेट यूज़ करते हो, कितना गेम खेलते हो, कितना इस पर स्टडीज़ करते हो, कैसे टाइम इन्वेस्ट करते हो, मम्मा पापा हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसे कर लो, गेम मत खेलो, क्योंकि एक 10 साल के बच्चे का जो दिमाग होता है वो यही होता है कि नहीं मैं ये करता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मेरा इंटरेस्ट इतना गेम्स में नहीं है, पहले आता था, बहुत आता था इंटरेस्ट, पर जब से पॉलिटिकल रीज़न पे मुझे लगता है तो मैं अधिकतर बाकी चीज़ों को देखती रहती हूँ। एंटरटेनमेंट में कुछ है तो मैं नए नए फैक्ट्स देख लेती हूँ कि कौन सी नए फैक्ट्स देख, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आई हैं जैसे एल्बिनो बीमारी है और जानवरों में भी हो जाती है, वो किस तरह से हो जाती है, जैसे एल्बिनो बीमारी को मैं डिफाइन करूँगी सूरजमुखी, जिसमें आदमी पूरा सफ़ेद हो जाता है। ओके, तो मैं ऐसी बीमारियाँ देखते रहता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस के नए चेंजेस आ रहे हैं, थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, उस पर मैं फैक्ट्स, एम्स के डायरेक्टर से कल ABP चैनल पर बात हो रही थी, लाइव आ रहा था, वो भी मैं देखती रहती हूँ। गेम्स में कितना इंटरेस्ट है आपको? गेम्स में अच्छा इंटरेस्ट है मुझे, और गेम्स अगर आप प्लेग्राउंड बड़े बना देंगे तो अस्पताल और पुलिस थाने जितने भी क्राइम होते हैं उसमें लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्लेग्राउंड्स बड़े बन जाएंगे तो कहाँ, सॉरी मैं आपका ये सब जवाब नहीं समझी, क्या प्लेग्राउंड्स अगर बड़े बन जाएंगे तो हॉस्पिटल और कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? सॉरी,
अगर प्लेग्राउंड्स अच्छे बन जाएंगे जहाँ पे मतलब लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ, जिम्स बन जाएँ, तो अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बीमारियाँ जैसे कहा जाता है। अच्छा, हाँ जी, निरोगी काया, वो जो हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट, पर खेल कूद से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अस्पताल में फिर इतनी भीड़ नहीं लगेगी कि शायद, मेरे ख्याल से ऐसा होता है। और ध्यान जब लोगों का गेम्स में रहेगा तो लोगों का क्राइम में ध्यान नहीं जाएगा, तो पुलिस स्टेशन में भी भीड़ कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, खेल जैसे हमारे देश में एक अभी मेडल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, वहीं चाइना में अगर 100 मेडल भी आ जाए तो उन्हें उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, वो एकदम कहते हैं कि ये तो अभी कम ही है। तो कितने सुधार की ज़रूरत है हमारे देश में खेलों पर काम करने? जैसे खेलों पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, जब आदमी कुछ बन जाता है, जैसे मैरी कॉम की जब स्टार्टिंग थी तब सरकार प्रोवाइड नहीं करती है कि अभी आप 1 करोड़ रुपए लीजिए, अभी आप 2 करोड़ लीजिए, अभी आपको बॉक्सिंग के बैग्स ज़रूरी हैं, आपको ग्लव्स ज़रूरी हैं, तब सरकार नहीं करती है, तब इंसान को खुद करना पड़ता है। और जब वो बन जाता है तब लीजिए हर सरकार देने लग जाती है, आपके लिए 7 करोड़ का चेक, आपके लिए 6 करोड़ का चेक, आपके लिए 2 करोड़ का। तो ये मेरे को इसमें फोकस करना चाहिए हमारी सरकार को कि सरकार को फोकस करना चाहिए कि इंसान जीत जाए उससे पहले पैसे देना चाहिए, जिससे ये बहुत अच्छा सजेशन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं हमारे खेलों, जब भी हम खेल की बात करते हैं तो सरकार को, जैसे हमने सविता पुनिया का इंटरव्यू लिया था उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की थी चैनल के माध्यम से कि सरकार को पहले जो है मदद करनी चाहिए।